नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टैलेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है अनमोल बातें, जिसमें जीवन के अंतरंग पहलुओं के बारे में आप सुनेंगे। जीवन मूल्यों की इकाई क्या है? हमारा बाहरी जीवन कितना भी चकाचौंध हो, पर वह हमारे आंतरिक तिमिर को हटा नहीं सकता। हमारे हर एक कदम सोच समझ के दायरे में होने चाहिए। हमारे भविष्य की नींव वर्तमान की पृष्ठभूमि होनी चाहिए। इस सब बातों का सार है आज का ये वीडियो। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। जिंदगी एक लंबी रेस है, जिसमें आदमी के सामने हार जीत की कई चुनौतियां आती है। लंबी रेस में तो ऐसा घोड़ा होता है जो पहले पीछे पीछे भागता है, आधी रेस के बाद जब स्पीड पकड़े तो सबको पीछे छोड़ देता है। जो अपनी खुददारी से जीते हैं, वह भले ही समाज में कितने ही पीछे होते हैं, पर जब वह स्पीड पकड़ लेते हैं तो सबसे आगे निकल जाते हैं। उनके तेवर सबसे अनोखे होते हैं, उनका रहन सहन चाल ढाल सबसे अलग होती है। बस जिंदगी भर मामूली काम नहीं करते रहते, भले ही वह जमीन पर चलते हो, उनकी नज़र हमेशा आसमान की बुलंदियों पर रहती है। उनका हौसला बहुत ही बुलंद होता है। जिंदगी की रेस में जब यह स्पीड पकड़ लेते हैं, सबको पीछे छोड़ जाते हैं और दुनिया की फलक पर अपना नाम रोशन कर देते हैं। आपने कई बार ऐसे इंसान देखे होंगे जो अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं और वक्त आने पर दुनिया उसे सलाम करती है। वो किसी की दया के मोहताज नहीं होते, वह किसी का इंतजार नहीं करते, वह अपनी राह खुद बनाते हैं, वह अपना नसीब खुद लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई ऐब नहीं होता, पर सच तो यह है कि उनमें कोई फरेब नहीं होता, और इसीलिए उन पर ईश्वर की कृपा होती है। वह एक संदेश लेकर इस दुनिया में आए होते हैं। वह अपने हुनर से दुनिया के आगे पेश होते हैं, दुनिया उसके सामने झुकने लगती है। यह लोग खुदगर्ज नहीं, खुददार होते हैं। वे लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं। उन्हें दूसरों की फिक्र रहती है, दूसरों के सुख के लिए अपना सुख कुछ नहीं समझते। असल में यह लोग सुख के फरिश्ते होते हैं। खुशियां बांटते हैं, मुस्कुराहटें बांटते हैं, खुद तो अंधेरे में रहते हैं, दूसरों को आफताब बांटते हैं। ऐसे ही लोग इतिहास बनाते हैं, इतिहास के किरदार होते हैं। ये वो लोग हैं जो युग पुरुष या युग नायक के रूप में उभरते हैं, अपना काम खत्म करके इस दुनिया से निकल जाते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में आपके संबंधों के, रिश्तों के बहुत प्रभाव होंगे। आप किन किन लोगों से मिलते हैं, किन किन लोगों से आपके ताल्लुकात हैं, ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इसी से आपके और आपके परिवार के लोगों के बारे में एक सोच उभरती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मध्यम वर्ग का जीवन जीते हैं और आपके दोस्त रिश्तेदार बहुत मालदार हैं? तो आपकी हालत उस पैसेंजर की तरह है जो लोकल ट्रेन का पैसेंजर है
पर भूल से एसी कोच में बैठ गया है, क्या हालत होगी उस बेचारे की। आप अपनी योग्यता जांचिए, अपने बच्चों को भी उस राह पर चलना सिखाएं। बच्चों को ऊंचे ख्वाब दिखाकर उनकी जरूरतों को बढ़ाकर आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जो लोग देखा देखी की जिंदगी जीने के आदि है, उनका जीवन अस्त व्यस्त रहता है। जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। अपने दायरे में रहकर जिए और अपने परिवार को भी इसी प्रकार की शिक्षा दे, आपका जीवन खुशहाल रहेगा। बहुत ज्यादा फिल्मी दुनिया का प्रभाव हमारे वास्तविक जीवन को सिर्फ सुहाने सपनों से भर देगा और कुछ नहीं। जिसमें महंगे कपड़े, होटलों में आना जाना, पार्टियां करना इत्यादि, ये जब तक अपने बजट में है तब तक तो ठीक है, वरना ये शौके उधार की जिंदगी देता है। किसी की चाहत कुछ भी हो सकती है, हवाई जहाज में उड़ने की हो, पर बाइक में पेट्रोल के लाले पड़ते हो। ऐसे ख्वाबों का क्या करें, ऐसी नवाबी जिंदगी का क्या करें जो आखिर में मोहताज कर दे। जरूरतें इतनी भी ज्यादा ना हो कि आप कर्जदार बन जाओ। आजकल हाई प्रोफाइल की जिंदगी का क्रेज बढ़ने लगा है, बच्चे भी इसी राह पर चलते दिखाई देते हैं। ये सब माता पिता से या फिर बाहर से सीखते हैं। पहले तो ठोकर लगती थी, आदमी सुधर जाता था, आजकल तो ये भी नहीं लगती। सब कुछ ऐसे की तैसे का जमाना है, लोगों ने ठोकर खाना नहीं, ठोकर मारना सीख लिया है। जो होगा देखा जाएगा। इस तरह देखा जाए तो एक तरफ जहां लोगों में जीवन शैली ठाट बाट की बन रही है, वहीं दूसरी तरफ विवेक का अभाव नजर आता है। सब कुछ जैसे प्रोफेशनल हो रहा है, रिश्ते, व्यवहार, जीने के सलीके वगैरह, एजुकेशन महंगा हुआ है क्योंकि व्यापारियों ने खरीदारों की दुखती नसों को पहचान लिया है। सभी पढ़ते हैं पर क्या पढ़ना चाहिए ये कोई नहीं जानता। देखा देखी का जमाना है, कोई भी अपनी योग्यता को नहीं जानता। सभी शेरनी का दूध पीना चाहते हैं, पर जिन्हें गाय का दूध हजम नहीं होता वो शेरनी का दूध पिए तो क्या हालत हो। पैसे के बल पर आजकल तमाशा खूब होता है, छोटे छोटे प्रसंगों को विशाल उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। हमने बाहर के देशों से बहुत कुछ सीख लिया मगर तहजीब नहीं सीख सके। महंगी कार तो खरीद लेते हैं पर पार्किंग की तहजीब नहीं सीखते। हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता हमारी लापरवाही के कारण है। हम जब तक नज़रअंदाज करते रहेंगे हमारे जीवन से अच्छे संस्कार मिटते रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन से जुड़ी होती है। रास्ता क्रॉस करते समय मोबाइल कानों से लगाए रहना, गलत तरीके से बाइक या कार को ओवरटेक करना, किसी भी पब्लिक प्लेस पर गंदगी करना या गाड़ी गलत तरीके से पार्क करना, हम मौज शौक पढ़ाई में, सेहत में, अपने रिश्तों में जागृत रहते हैं पर हमारा बाहरी जीवन अस्त व्यस्त होता है। हम सब दिखावे की जिंदगी की तरफ ज़्यादा टोह रखते हैं, पर जैसे मोर जब तान में आकर नाचता है तब वो भूल जाता है कि वो नंगा है। जैसे हमारी हालत है, हम छोटी छोटी बातों को मायने नहीं रखते, जबकि फॉरेन कंट्री में छोटी छोटी बातों को भी अहमियत दी जाती है, इसलिए वे सब हमसे ज़्यादा समझदार, सुखी और आगे है।
आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो अपने ग्रुप में शेयर अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव लिखना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर नए एक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब खुश रहे, निरोगी रहे। धन्यवाद।